चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग इस नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर माँ को कौन सी चीज अर्पित करें, क्या भोग लगाएं? पंडित जी ये बताएं। देखिए ऐसा है, अगर किसी की जन्म कुंडली में शरीर भाव का स्वामी और पत्नी भाव का स्वामी या पति भाव का स्वामी परस्पर जन्म कुंडली में छठे और आठवें बैठे हों तो ऐसे लोगों के जीवन में पूरे जीवन कड़वाहट बनी रहती है, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। दूसरी बात बताऊं, ये बात आपको चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी जिस जगह चंद्रमा बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी और उससे सातवें भाव का स्वामी, अगर ये परस्पर छठे आठवें हैं तो दाम्पत्य जीवन में जहर घुल जाता है और पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता है। अगर आपकी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत तनावपूर्ण है और इसको आपको निभाना भी पड़ेगा, ऐसे में आपको चाहिए कि इस नवरात्र में आप माँ दुर्गा की शरण में जा करके निश्चित रूप से अपने इस परेशानी का हल पा सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल गई है तो माँ दुर्गा के मंदिर पर लाल रंग की ध्वजा लगाइए, पताका लगाइए लाल रंग का, और पताके के बीच में एक सीधा त्रिकोण एक उल्टा त्रिकोण बनवा करके उसमें ह्रीम लिखवाइए। क्या लिखवाइए? ह्रीम, माया बीज, और उस पताके का पूजन करके उसे दुर्गा मंदिर पर आरोहण करवा दीजिए, लगवा दीजिए। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की पीतल की मूर्ति या चांदी की मूर्ति है तो पंचामृत बना करके और दक्षिणावर्ती शंख में उसे भर करके पीतल की थाली में माँ दुर्गा की मूर्ति रख करके श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। ओम हिण हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनी मत्स्य हिरण्यम विंदेयम गामस्व पुरुषानहम अश्वपुर्वाम रथमध्याम हस्तिनादय प्रमोदिनीम स्वयं देवी उपहोय श्री रमाम देवी जूसताम। तो कहने का मतलब श्री सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करते हुए अगर पंचामृत से आप भगवती का अभिषेक करेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से भगवती का अभिषेक करके और साफ कपड़े से दुर्गा प्रतिमा को पोंछ करके और उसे आसन पर विराजमान करके और षोडशोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे और माँ दुर्गा को मिश्री लौंग और पान अर्पित करेंगे। पान का बीड़ा लगाकर लौंग की कली चुभो करके एक प्लेट में रख करके माँ के सामने रखेंगे और इसी तरह से नैवेद्य में काजू किशमिश और मिश्री एक पीतल की प्लेट में रख करके माँ के सन्मुख रखेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि माँ नैवेद्य स्वीकार करो और 5 बार जल से आचमनी करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार जल से आचमन करेंगे। भैरव जी को मालपुआ का भोग लगाएंगे। आपने अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर एक सुपारी रखी होगी कलावा में लपेटकर, जिसको आपने भैरव बनाया होगा, उन्हें आप मालपुए का भोग लगाइए, क्योंकि भैरव जो है ये माता के प्रमुख द्वारपाल हैं, इनकी पूजा करने से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जरूर रहनी चाहिए, उसे एक पीढ़े पर रखें लाल कपड़े के ऊपर। शंख और घंटी ये दोनों चीज़ें हो सकें तो किसी पूजा स्थान में दान करें और दुर्गा सप्तशती की पूजा नित्य करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का ज़्यादा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूजन भी करते रहेंगे और दुर्गा सप्तशती को खोल करके पूरा आप देख लेंगे तो भी निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, विंध्याचल मंदिर में हर समय कम से कम 30-40-50 पंडित जी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं। वहाँ पर एक पंडित जी पाठ कर रहे थे और गांव से एक व्याकरणाचार्य, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे पंडित जी,
जो व्याकरण से आचार्य थे, जिन्हें पंडिताई का पूरा मर्म आता था, वो विंध्याचल गए और वो वहाँ बैठे हुए पंडित जी से कहे कि हमारे लिए एक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कितने वाला पाठ करवाओगे? तो बोले कितने वाला पाठ आप करते हैं? बोले 51 रुपये वाला पाठ करता हूँ, 21 रुपये वाला पाठ करता हूँ, 11 रुपये वाला पाठ करता हूँ और 20 आने में भी पाठ करता हूँ। तो बोले तो 20 आने वाला कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हाथ में कुश जल अक्षत लो। हाथ में कुश जल अक्षत लिए संकल्प बोलकर, और पंडित जी दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब ऐसे एक बार पूरा पलट कर देख लिए और बोले अब जाओ माता का दर्शन करो, पाठ हो गया। तो बोले महाराज ये कैसा पाठ है? अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का 25 साल से पाठ करता हूँ, मुझे पूरा दुर्गा सप्तशती कंठस्थ है, ये कौन सा पाठ का तरीका है? आपने एक अक्षर बोला नहीं और पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा न तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, न तो आप विद्वान हैं और न ही आपके ऊपर भगवती की कृपा है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, रात्रि सुक्त बोलकर सुनाइए। तो सुनाने लगे, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीम निद्राम भगवती विष्णुर तुलाम तेज सह प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य। कहें रुको, विंध्याचल वाले पंडित जी ने कहा रुको। तो रुक गए, बोले हाँ बताइए। कहें क्या कहा अभी आपने? कहें सुधा त्वमक्षरे नित्य। कहें इसका मतलब आप अक्षरों में हर समय अमृत के समान विद्यमान हैं। सुधा त्वमक्षरे नित्य, हर समय आप अक्षरों में अमृत के समान विद्यमान है। तो मैंने सारे अक्षरों को तो देख लिया, तो पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, अब आप हमसे 21 रुपया लीजिए और पाठ करिए। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप पाठ करना नहीं जानते हैं तो अगर एक बार पूरी दुर्गा सप्तशती की किताब उलट करके भी आप एक एक पन्ना देख लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको तब भी पुण्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ये बताने का कथानक मकसद यही था। जय माँ विंध्यवासिनी।